हेलो एवरी वन माई नेम इज़ राहुल भट्ट विद गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी एट दिस टाइम आई एफ एस इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस एंड आई होप टू गेट दैट नाउ विल डिस्कस द स्ट्रैटी अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल्स हिस्ट्री ऑप्शनल्स के लिए सबसे पहले मैं बुक लिस्ट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ और उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री और इन एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट यू टेक interest is very important then second important thing in taking optionals is availability of mentor coaching uh, book sources material etc that is very important or uh, fair uh, then the third uh, criteria is ki marks case etc us subject matter in my case it was total interest in history uh, that helped me take history as my optional subject uh, so uh, इंजीनियरिंग के टाइम पे भी आई यूज़ टू रीड सर्टेन आर्टिकल्स अबाउट लॉर्स ग्लोरी ऑफ इंडिया एंशंट इंडिया मिडीवल इंडिया मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एट्रा सो इट वॉज़ वेरी नेचुरल फॉर मी टू टेक हिस्ट्री बट नेचुरली हिस्ट्री पढ़ना एज एन इंटरेस्ट टेस्ट एट्सट्रा वो एक अलग बात होती है और यू पी एस सी के लिए हिस्ट्री पढ़ना वो थोड़ी डिफरेंट बात होती है क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर एक टॉपिक को कवर करना होता है और एक अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इवॉल्व करनी होती है दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू तो इसके लिए देर आर सटन देर इज सर्टन बुक लिस्ट सर्टन अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी हाउ टू एस इन हिस्ट्री एंड हाउ टू अचीव और स्कोर एटलीस्ट थ्री हंड्रेड मार्क्स इन हिस्ट्री थ्री हंड्रेड इज अ वेरी गुड स्कोर इन हिस्ट्री आई स्कोर दिस टाइम टू नाइन्टी मार्क्स इन हिस्ट्री विच इज़ वन ऑफ द गुड स्कोर्स और वन ऑफ़ द स्कोर्स इन हिस्ट्री दिस टाइम तो आई वुड स्टार्ट विद द बुक लिस्ट सो आई स्टार्टड विद रीडिंग बेसिक सब्जेक्ट्स बेसिक एन सी आर टीज ऑफ हिस्ट्री इनिशियली एंशंट इंडिया के लिए मैंने आर एस शर्मा पढ़ी थी एन सी आर टी मिडीवल इंडिया के लिए मैंने सतीश चंद्रा पढ़ी थी एन सी आर टी ओल्ड एन सी आर टी थर्ड मॉडर्न इंडिया के लिए भी मैंने ओल्ड एन सी आर टी बिपिन चंद्रा की पढ़ी थी उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था उसके बाद uh, थोड़ा एडवांस्ड स्टडी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने एंशंट uh, इंडिया के लिए uh, वही uh, आर एस शर्मा फिर पढ़ी एन uh, सी आर टी जो थी uh, उसके बाद मिडीवल इंडिया के लिए जे एल मेहता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट uh, जे एल मेहता पढ़ी उसके बाद मॉडर्न uh, इंडिया के लिए आई वुड सजेस्ट आइदर ऑफ द टू बुक्स आई रेड बिपिन चंद्राज इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम और यू कैन गो विद Uh, Shekhar is a PLASI to partition. Uh, and uh, if you want to take my advice, uh, you should probably go with uh, Shekhar Bandopadhyay's. I have not read that, but I have gone through certain pages and I find that more helpful for UPSC uh, answer writing in mains, uh, optional. Uh, so I would say you can skip Bipin Chandra's India's struggle for freedom for history optional students. बट एंड कैन गो विद शेखर बंदोपाध्याय इज प्लासी टू पार्टीशन मगर अगर आपको प्लासी टू पार्टीशन डिफिकल्ट लग रही है अंडरस्टैंड करने के लिए तो ही आप बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पढ़िए वो काफ़ी इंगेजिंग है स्टोरी टेलिंग है और काफ़ी ही काफ़ी फ्लो में बताती है काफ़ी इंगेज रखती है थ्रू आउट फाइव हंड्रेड पेजेज और सो और उसके बाद आप एक और सब्जेक्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने दो आ, बुक्स को रेफ़र किया था पहली बुक जो मैंने रेफ़र की थी वो थी जैन एन माथुर जैन एन माथुर मैंने जुलाई रेवोल्यूशन 1848 तक पढ़ी फॉर एग्जांपल मैंने उसमें से रेनेसा पढ़ा अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ा इटालन यूनिफिकेशन पढ़ा उसके बाद मैंने उसमें इंडस्ट्रलाइजेशन पढ़ा इंडस्ट्रलाइजेशन के बाद मैंने जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ा एटीन का और एटीन का जो फ्रांस में हुआ इतना ही मैंने जैनन माथुर से पढ़ा और उसके बाद मैंने स्विच किया नॉर्मन लव में नॉर्मन लव पढ़ी फिर मैंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड उसमें मैंने टॉपिक्स जो पढ़े वो थे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन से वर्ल्ड वॉर टू तक का पीरियड जो था लीग ऑफ नेशंस फासिज्म नाजिज्म कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर टू यूएनओ की स्थापना मिडल ईस्टर्न क्राइसिस सिक्स डे वॉर कोरियन वॉर वियतनाम वॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर चाइनीज रेवोल्यूशन इतना ही मोर और लेस मैंने आ, ये वो नॉर्मल लव से पढ़ा इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा शुरू के 370 से 400 पेज तक पढ़ा मैंने नॉर्मल लव की किताब और वही 300 से साढ़े तीन पेज शुरू के मैंने जैन एन माथुर के पढ़े जुलाई 1848 फोर्टी एट रेवोल्यूशन तक दैट कम्प्लीटेड माई मॉड वर्ल्ड हिस्ट्री उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ आती है हिस्ट्री के ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो है मैप एनशेंट इंडिया में मैप पूछा जाता है एनशेंट uh, इंडिया में मैप जो है वो आप Uh, या तो अगर आप थ्रू आउट द जर्नी पढ़ रहे हैं थ्रू आउट योर ऑप्शनल स्टडीज़ आप एक मैप को रेफर करे जा रहे हैं टाइम एंड अगेन तो आई वुड सजेस्ट इन सिम्बल बुक आती है मैप की वो आप कर सकते हैं टाइम एंड अगेन मगर आप इफ़ यू आर फाइंडिंग इफ यू आर हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम और आपका मेंस जल्दी है uh, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है बट फिर भी आपको मेंस करना है और आपको मैप भी करना है कवर तो आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं स्पेक्ट्रम डेढ़ सौ से दो सौ पेज की किताब है उसमें श्योर sure, उसमें जो ऑलरेडी साइट्स आ चुकी हैं यूपीएससी के पेपर में वो मोर और लेस कवर्ड हैं दैट वुड गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ हाउ साइट्स हैव बीन मार्क्ड इन एंशंट इंडिया थ्रू आउट हिस्ट्री तो आप स्पेक्ट्रम भी कर सकते हैं आइदर इनसिम्बल और स्पेक्ट्रम मैंने थोड़ा थोड़ा इंसिम्बल किया था थोड़ा थोड़ा स्पेक्ट्रम किया था मैप uh, मेरा थोड़ा वीकर सेक्शन था बट आई वुड सजेस्ट यू टू कंप्लीट एट लीस्ट वन बुक ऑफ मैप थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ वाइल प्रिपेयरिंग हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके बाद पोस्ट uh, इंडिपेंडेंस uh, इंडिया भी एक टॉपिक आता है बट उसके लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो पूछा गया है वही करिए कंसोलिडेशन ऑफ नेशन एक टॉपिक है वो करिए uh, नेहरू की फॉरन uh, पॉलिसी जो थी नैम पॉलिसी वो करिए बस उसके प्रोज क्या है उसके कॉन्स क्या है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है uh, चिपको आंदोलन इन्वायरमेंटल मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस दलित मूवमेंट्स वो करिए सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव और सेवनटी वन की वॉर करिए सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सेवेंटी वन की वॉर एमरजेंसी पीरियड और पंजाब क्राइसिस आप स्टडी आई क्यू एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से आपको सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सेवनटी वन की वॉर समझा रखी है एमरजेंसी के कारण समझा रखे हैं क्या हुआ उस पीरियड में वो समझा रखा है और पंजाब क्राइसिस भी बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत कीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप यूट्यूब uh, पे ही थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हैं उस सब्जेक्ट की और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हिस्ट्री ऑप्शन में आए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में वही इनफ है जैसे लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा वो आप थ्रू आउट द जर्नी भी कर लेंगे अपने आप इसके अलावा uh, इसके अलावा uh, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर थ्रू क्रॉनिकल आई की एक किताब आती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थाउजेंड 15 14 पीछे से जाइए टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थाउजेंड एलेवन टू थाउजेंड टेन नाइन एट दस पंद्रह साल के क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए घर पे टाइम uh, फ्रेम में आप डेढ़ डेढ़ या -डे एक एक घंटे में कुछ पांच छह क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उनको लिखिए अच्छी तरह रजिस्टर में और फिर क्रॉनिकल आई का आंसर पढ़िए मॉडल आंसर जो है अपने आंसर को चेक कीजिए आप कितने नंबर देते उस आंसर को वैल्यू एडिशन के लिए और वैल्यू एनरिचमेंट के लिए वो आंसर पढ़िए अपने को और अवेयर बनाइए और एनरिचमेंट कीजिए अपने वैल्यू वैल्यू मटीरियल को इस तरह से आप पूरी तरह मास्टर हो जाएंगे हिस्ट्री ऑप्शनल में और बहुत इम्पोर्टेंट है पास्ट ईयर पेपर्स क्योंकि फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द पेपर मेन्स का मोर और लेस वुड कम इन वन फॉर्म और द अदर फ्राम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्राम पास्ट ईयर मेन्स का पेपर मेन्स का पेपर ऑप्शनल का पेपर तो उसके बाद क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ स्टैटिक सब्जेक्ट तो मोर और लेस इन वन फॉर्म और द अदर पास्ट ईयर से ही रिपीट होता है दैट्स वन एडवांटेज विद हिस्ट्री और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज जरूर लगवाइए मैंने आठ से दस टेस्ट दिए थे ऑप्शनल के लिए अलॉन्ग विद राइटिंग आंसर्स एट होम फ्रॉम क्रॉनिकल आई की जो बुक आती है पास्ट ईयर पेपर से अलॉन्ग विद डेट एट टू टेन टेस्ट पेपर डेडिकेटेड तरीके से मैंने टेस्ट सेंटर जाकर दिए थे जी एस स्कोर का टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया था uh, अगर आपको और बेटर मिलती है कहीं पे वो भी आप कर सकते हैं ज्वाइन जॉइन uh, और uh, जो मॉडल आंसर कॉपी है फीडबैक जो मिलता है उस पर वर्कआउट कीजिए और अच्छी तरह आप अगले टेस्ट में और अच्छा आंसर लिखिए थ्री आवर के टाइम स्पैन में ही आप टेस्ट देने की पूरी कोशिश कीजिए तीन घंटे से ज़्यादा आप टेस्ट दीजिए भी मत आपको पता चलेगा आप, आप पुश थ्रू करेंगे खुद को तीन घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करने की उसके अलावा मॉडल आंसर कॉपी हो गई फीडबैक हो गया आ, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई दैट वुड डू मोर देन इनफ फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने पढ़ा राउज आया स्टडी सर्कल में जो हिस्ट्री uh, ऑप्शनल के लिए फाइव बुक्स हैं ब्लू बुक्स कहते हैं उन्हें वो पेपर वन बुक पेपर वन के लिए जो बुक है एंशंट के लिए मॉड मिडीवल के लिए मॉडर्न के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो जो सिलेबस में जिस तरह से टॉपिक्स दे रखे हैं हमारे हिस्ट्री ऑप्शन में हर एक टॉपिक को एडिकेट मात्रा में कवर किया गया है उन ब्लू बुक्स में इट हैज़ बीन रिटन वेरी वेल एंड इट वुड डेफिनेटली हेल्प इन टैक्लिंग क्वेस्वी एस सी द वे दे कम क्योंकि एट द एंड आर एस शर्मा सतीश चंद्रा बिपिन चंद्रा शेखर बंदोपाध्याय जे एल मेहता नॉर्मन लव uh, और uh, जैनन माथुर ये जो किताबें हैं ये रेफरेंस बुक्स हैं नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू वॉट द डिमांड ऑफ द यू पी एस सी इज तो यू पी एस सी की डिमांड सिलेबस में डिफाइंड है टॉपिक्स हर एक डिफाइंड है तो so, उन उस यू पी एस सी की डिमांड को केटर करने के लिए राउज आया स्टडी सर्कल की जो पाँच ब्लू बुक्स हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर किया गया है एंड दैट टू द पॉइंट हेल्प्स इन राइटिंग वेरी गुड आंसर्स फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल आपका फॉर्डर बहुत इनरिच हो जाता है और आप हिस्ट्री ऑप्शनल की तरह uh, सोचने लगते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट असली में यू गेट यू गेट मोल्डेड लाइक दैट तो दिस इज माई स्ट्रैटी फॉर हिस्ट्री हिस्ट्री ऑप्शनल अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट डिड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नथिंग मोर देन दैट आप इन्हीं सोर्सेज को लिमिटेड रखिए इन्हीं सोर्सेज को बार बार पढ़िए uh, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए प्रिलम्स का रिजल्ट आ चुका है साढ़े दस हज़ार स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इनमें से बहुत सारे लोग हिस्ट्री ऑप्शनल भी होंगे सो आई वुड आस्क देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू जॉइन ए टेस्ट सीरीज एंड राइट राइट एंड राइट एंड एट द सेम टाइम क्रॉनिकल आई एस की जो किताब है पास्ट टेन फिफ्टीन इयर्स के क्वेश्चंस हैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए एनशियन मिडीवल मॉडर्न और वर्ल्ड में भी और बिलीव मी फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द पेपर वन फॉर्म और द अदर में वहीं से आएगा और यू विल राइट अमेजिंग आंसर्स इन एक्चुअल एग्जाम इफ यू वुड डू दीज बुक लिस्ट अलोंग विद दिस टेस्ट सीरीज एंड क्रॉनिकल आई एस की पास्ट ईयर पेपर्स दैट सफाइस एवरी थिंग फॉर एंटायर हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड thank you very much, delhi knowledge track, uh, for uh, letting me uh, share my strategy uh, with students uh, and aspirants uh, of civil services exam uh, in a very frank and authentic manner. whatever i did, i shared everything open-heartedly, and i wish uh, to give uh, genuine advice. i wish that i gave genuine advice and i helped students uh to some extent thank you very much for more videos please like share and subscribe uh, uh, more toppers videos on delhi knowledge track thank you very much and all the best